आज से लाखों वर्ष पहले अफ्रीका के घने जंगलों में इंसानों की विभिन्न प्रजातियां रहा करती थी। ये बात उस समय की है जब हमारे पूर्वज यानी आदि मानव का विकास हो रहा था। उस समय पूरे अफ्रीका में आदि मानव के अलावा अन्य जीवों का राज हुआ करता था। यही महाद्वीप इंसानी जीवन के उत्पत्ति का केंद्र रहा है। हमारे पूर्वज यानी कि आदि मानव उस समय के सबसे सफल जीव में से एक थे। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इन्हें अफ्रीका से निकलकर पूरे पृथ्वी पर विस्तारित होना पड़ा? क्या यह कोई प्राकृतिक घटना थी या फिर मानव के बढ़ते आबादी के कारण पूरी दुनिया में फैल गए? आखिर वो कौन सी प्रजाति थी जिसने सर्वप्रथम अफ्रीका महाद्वीप से बाहर निकलना चाहा? देखा जाए तो 2 मिलियन यानी 20 लाख वर्ष पहले अफ्रीका महाद्वीप आधुनिक रूप से विपरीत था। ये मैदान घने जंगलों से घिरे रहते थे और चारों ओर खूबसूरत पहाड़ और नदियों का प्रभाव था। घने जंगलों में खतरनाक जानवर अपना शिकार किया करते थे। उस समय के सबसे सफल शिकारी बड़े दांतों वाले बाघ और शेर हुआ करते थे। लेकिन इन्हीं घने जंगलों में आदि मानव भी राज किया करते थे। अफ्रीका में आदि मानव की अनेक प्रजातियों में से एक ऑस्ट्रलोपिथेकस सबसे पहली प्रजाति थी। ये प्रजाति सबसे पहले पेड़ों पर रहा करती थी। ये फलों और पत्तों को खाकर अपना जीवन यापन करते थे। बीते समय के साथ साथ इनके दिमाग का बिखराना जाने लगा। ये प्रजाति भी जानवर का शिकार रहने वाले काले हो गए। लेकिन ऐसी क्या वजह थी कि होमो इरेक्टस को अफ्रीका महाद्वीप छोड़कर इस क्लाइमेट चेंज का असर सिर्फ हमारे पूर्वजों पर ही नहीं पड़ा बल्कि सभी जानवरों पर पड़ा, जिसका नतीजा ये हुआ या तो इन्होंने खुद को उसमें ढाल लिया या तो उन्हें विलुप्त होना पड़ा।